वर्षों से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन करते हुए हुआ गणेश उत्सव पर निकलने वाली झांकियों की परंपराओं को निभाते हुए इंदौर के हुकुमचंद मिल मजदूर संघ द्वारा इस बार भी 3 आकर्षक भव्य झांकियों का निर्माण किया जा रहा है। हुकुमचंद मिल मजदूर संघ के प्रधान नरेंद्र श्रीवंश ने बताया कि इंदौर में गणेश चतुर्थी के साथ 99 साल पहले हुकुमचंद मिल के द्वारा पहली झांकी शहर में निकाली गई, जहां बैलगाड़ी पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा विराजित करके यह झांकी निकाली थी। समय शहर में बिजली नहीं हुआ करती थी, लिहाजा मार्शल और लालटेन के उजाले में यह झांकी निकाली थी। वहीं 1991 में मिल बंद होने के बाद झांकियों की परंपरा का आर्थिक रूप से संकट आ गया, लेकिन मजदूरों ने हौसला नहीं गंवाया और उसे उस वर्ष भी झांकी निकाली। झांकियों में इस दौर को जारी रखते हुए 2023 में गणेश उत्सव में हुकुमचंद मिल के मजदूर संघ द्वारा बैलगाड़ी वाली पहली झांकी के स्वरूप के साथ ही धर्म और देशभक्ति से ओतप्रोत अन्य झांकियां इस बार बनाई जाएगी। नरेंद्र श्रीवंश की माने तो इन झांकियों के निर्माण में करीब 8.5 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, निगम, जिला प्रशासन और अन्य माध्यम से सहयोग से इन झांकियों का निर्माण होगा। फिलहाल मजदूर संघ के प्रमुख ने कहा कि मैं अपने हौसलों को आगे बढ़ाते हुए झांकियों के निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो कि गणेश उत्सव तक पूर्ण हो जाएगा। कलाकार को 90% सुविधाएं अंदर से मिल जाए करती थी, लेकिन मिले बंद हैं तो आज की स्थिति विपरीत है। एक ब्रेंची भी लाना तो बाजार से लाना है। प्रतिवर्ष महंगाई 40-50% बढ़ जाती है। इस साल तो कुछ देखने में आ रहा है कि महंगाई काफ़ी कुछ बढ़ गई है और जो सहायता राशि मिलती है वो पर्याप्त नहीं है। उसमें 2 गाड़ियाँ भी नहीं बन पाती हैं। हुकुमचंद मिल 3 झांकी बना रहा है और हम चाह रहा है हुकुमचंद मिल जो कलाकार है दीपक लवांगड़ है, हमारी कोशिश है कि प्रथम झांकी जो 100 वर्ष पूर्व पहले निकली थी पहली झांकी, वो स्वरूप हम हुकुमचंद मिल में देना चाहते हैं। बाकी तो और अन्य झांकियाँ बनेंगी हमारी, सभी धार्मिक रहेंगी, कोई विवादित झांकियाँ नहीं रहती हुकुमचंद मिल की। हम कभी भी कोई ऐसी टकराट वाली क्या था उस पहली झांकी में? पहली झांकी तो बैलगाड़ी पर निकली थी। उस समय ये लाइट वगैरह का ऐसा कुछ भी नहीं था, कंडील के ऊपर निकली थी। उसमें गणेश जी भगवान विराजमान थे, 2-3 स्टेचू बने थे उस समय और मजदूर यहाँ से रथ जगह करते हुए निकला था, पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए। उस समय क्या आज़ादी की लड़ाई भी थी, तो किसी भी तरह से देश की जनता को एकत्रित करना था और इससे अच्छा इंदौर शहर में और इंदौर शहर क्या पूरे प्रदेश का तो ये गौरव है, गौरवशाली परंपरा है। तो उस समय झांकी के लिए लोगों को एकत्रित करना था, आज़ादी की लड़ाई में भी जोड़ना था। लगभग कितने खर्च पर बनेगी इस बार की 3 झांकियाँ? 3 झांकी करीब 8.5 लाख रुपये खर्चा आएगा अगर व्यवस्थित चाहते हैं। और 60-70 के दशक की अगर झांकी चाहिए, कलाकार तो आज भी कला भी जिंदी है लेकिन अर्थ नहीं है। अर्थ के कारण दिक्कत होती, पहले मिले चालू थी 2 महीने पहले ठेके हो जाते थे और बिल्कुल उसको वहाँ ये स्थिति रहती थी कि वहाँ कोई भी वहाँ झांक नहीं सकता था। आज तो सब ओपन है ऐसा मामला। कलाकार ये परंपराओं को जीवित रखने के लिए कलाकार लोग घाटा कर खा के ही काम करते हैं। इंदौर में कितने मिले और कितनी झांकी? इंदौर में 6 मिले हैं और 2 या 3 मिल की 3-3 निकल रही, बाकी सब 2-2 झांकी निकालेंगे और अन्य झांकियाँ भी निकलती हैं। अनुमानित 30 झांकियाँ निकलेंगी। चुनावी वर्ष है, हो सकता है कोई नेता नगरी नई चालू कर दे। और इससे बड़ा पर्व तो मेरे को नहीं लगता पूरे प्रदेश में इससे बड़ा पर्व हो। सब लोग रथ जगह करते हैं। पहले जब मिले चालू थी 10 दिन पहले पूरे प्रदेश से क्या पूरे हिंदुस्तान से यहाँ रिश्तेदारों के आके ले रुक जाते थे और 10 दिन वो सब करते थे। तो आज परिस्थितियाँ, लेकिन झांकी में जोश वही है, सारा के सारा काम काज वैसे ही चल रहा है और हुकुमचंद मिल का यह 100वें वर्ष का एक गौरवशाली परंपरा को हम लोग जीवित रखें। मेरा विशेष रूप के यहाँ के जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो आए इसके अंदर सहयोग करें। ये क्या है, सहयोग, जन सहयोग बाहर से नहीं मिल पाता। ये उत्सव मिलों का नहीं है, उत्सव पूरे शहर का और पूरे शहर के लोगों की जवाबदारी की इसको अपन और 4 चांद लगाए इस उत्सव के अंदर। आपका नाम है नरेंद्र श्रीवंश, प्रधानमंत्री हुकुमचंद मिल प्रवेश उत्सव समिति। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।